ओ भाई, जिसे हम सोशल मीडिया पर देखते देखते बड़े हुए, ये देखो भाई स्वर्ग का रास्ता, ये देखो ये रास्ता जा रहा है भाई। ओ भाई ये दोस्तों, ये देख सकते हो, ये है स्वर्ग का रास्ता। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, ये है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हाँ, तो भाई यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है स्वर्ग जाने की, यानी पाताल लोक जाने की। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग पर स्वागत है। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 बजे और दोस्तों मैं हूँ इस समय चाइना में, और आज मैं आपको भाई यहाँ की एक ऐसी एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, आप पागल हो जाओगे। यकीन मानिए, चाइना यार कुछ भी बना सकता है। इसने नकली स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग का रास्ता बना दिया, पताल लोग जाने वाला रास्ता बना दिया, वो दिखाने वाला हूँ। ये आप जो केबल देख रहे हो ना, ये दुनिया की सबसे लंबी यानी 7.5 किलोमीटर की ये केबल है। इससे हम जाएंगे पहाड़ पे। कौन से पहाड़ पे? वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, उस पहाड़ पे जाएंगे और उसके बाद भाई मैं आपको स्वर्ग वाला रास्ता दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ और भी वहाँ पर एक एक्टिविटी है, मतलब वो एक्टिविटी दिखाने वाला हूँ जो अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो वायरल होता है, तो भाई मज़ा आने वाला है। तो अभी हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ से टिकट ले लिया, टिकट ये हमें जो है केबल कार वहाँ लेकर जाएगा। तो चलो चलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमने इसलिए कराया, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। अगर टिकट की बात करूँ तो टिकट भाई मुझे ये पड़ा है 248 तुम्हारे की युआन का, तो ये हो गए लगभग 2600-2700 रुपये हो गए। और ये मैंने जो है हॉस्टल से ले लिया था। अगर आप यहाँ से लोगे तो महंगा पड़ता है, कई बार इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। तो अभी कल आया था मैं, तो कल के लिए मुझे टिकट मिला नहीं था, वेटिंग में चल रहा था। तो अब मुझे आज सुबह के लिए टिकट मिला है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। अभी तो मुझे सड़क पार करनी है और उसके बाद जो है हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं। अब देखते हैं कि सुबह 6 बजे वहाँ पर भीड़ होती है या नहीं होती है, बट दोस्तों मज़ा आने वाला है। भाई सीन ये हो रहा है कि जब मैं किसी भी कंट्री जाता हूँ ना, तो मैं अपना स्प्रे लेके जाता हूँ बालों का, जेल वगैरह, वो लिक्विड अलाउ नहीं होता, वो छील लेते हैं। लगा 22 दिन हो गए बालों में तेल नहीं पड़ा, नहा डेली रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता भाई। चालू हो गई, देखो जाने लगी, खाली जाने लगी, बट जाने लगी। सुबह सुबह भाई भूख भी लग रही है, लेकिन पता ही नहीं भाई क्या खा सकते हैं यहाँ पर, ये इनका नाश्ता ही समझ में नहीं आ रहा। तो चलो अभी जो है हम चलते हैं। तो मैंने टिकट करा लिया था, तो मैं टिकट मांग रहा था, तो मुझे तो चाइनीज आती नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा कि टिकट जो है तुम्हारा पासपोर्ट में ऑलरेडी अपलोड हो गया, जैसे ही आप पासपोर्ट दोगे ना, वो स्कैन करेंगे ना, ऑटोमेटिक टिकट आ जाएगा। और मैं आधा घंटे से परेशान हो रहा था भाई। लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है यार, इंग्लिश कैसी भी टूटी फूटी समझ में आती है, मतलब इनके वजह से ना 20 से लेकर 22 दिनों का नाश्ता तक नहीं मिला। मुश्किल से ना 20-22 दिन में मुश्किल से ना 5-6 बार KFC खाया होगा, उसमें भी क्या खाया होगा, 5-6 बार ही हाँ चिकन खाया है, ना तो फ्रेंच फ्राइज चल रहा भाई। लैंग्वेज समझ में नहीं आती भाई। सुबह सुबह भी यहाँ पर भीड़ होने लगी, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं। भाई हम इससे नहीं जाएंगे, ये बस है, बस में बैठ के जाएंगे। बड़ी आफत है यार, मैंने सोचा था हमारा इससे होगा, बट इससे नहीं होगा, बस से होगा। तो भाई फाइनली हमारी बस चल रही है और अभी हम आपको दिखाते हैं शहर के नज़ारे। ये देखो वो माउंटेन भाई, इसी माउंटेन के ऊपर जाना है हमें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो पहाड़, इसी पहाड़ों पे हमें जाना है ऊपर, ये आप देख रहे हैं। तो भाई फाइनली हमें बस ने यहाँ उतार दिया। ये एक तरीके से आप वेस कह सकते हो उस पहाड़ों का। और जो मैं आज चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ ना, यकीन मानिए आप जब से सोशल मीडिया पर आए ना, जब से आपने सोशल मीडिया पर वो चीज़ देखी है, और आज मैं आपको वो चीज़ रियल में दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं दिखाने वाला हूँ आपको पाताल लोक का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता यानी नकली। ये आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं गेट, कुछ ध्यान आया? ये वही रास्ता है जो कहा जाता है स्वर्ग का रास्ता। तो अभी यहाँ से हम केबल कार जाएगी जो हमें ऊपर लेके जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह जाएगी। ये आप देखिए ध्यान से, देखो भाई ये केबल कार हमें लेके जाएगी उसी जगह तक। और भाई ये वाला ब्लॉग ना वाकई में बहुत स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों भूख तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन सीन ऐसा है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाया जाए यहाँ पर। तो हालांकि खाने का तो यहाँ पर बेस में तो बहुत कुछ है, लेकिन वही है ना दिमाग में यार, खाए क्या जाए, पता नहीं वेज में क्या होगा इनके पास, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी जो सबसे पहले हमें जो है केबल कार लेनी है। तो जो टिकट ऊपर को जाने का लगता है ना, वो यहाँ पे 275 युआन का है, लेकिन मैंने जो ले लिया था ये अपने हॉस्टल से ले लिया था, तो मुझे 248 का पड़ गया था। और अगर आप आएँ और ये एक्टिविटी करें तो कम से कम 2 दिन पहले टिकट लें, क्योंकि बहुत लंबी वेटिंग रहती है इसकी। चलो भाई चलो 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 चलो।
इस जगह पे आकर ना एक अलग सा ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई में हम कहाँ आ गए। और भाई इस जगह का तो व्यू भाई देखने लायक है, ये देखो व्यू। और कैमरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर, लेकिन जो स्वर्ग वाला रास्ता है ना, पता लोग जाने वाला रास्ता भाई, वो गजब रास्ता है। सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो भी देखी थी मैंने इसकी, स्पेशली इसके लिए मैं इस जगह पर आया था, इस शहर में आया था। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, एक चीज़ मैं सरप्राइज रख रहा था, लेकिन यहाँ पर दो एक्टिविटी होने वाली है। एक एक्टिविटी पता कौन सी है, जो आपने सबसे खतरनाक ग्लास ब्रिज देखा होगा, जहाँ पर लोग चलते हुए रपक जाते हैं, डरते हैं, रोने लगते हैं, वो पता कहाँ पे? ये देखो, तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, थर्ड पर कर दिया, ये तो स्वर्ग का रास्ता हो गया। इससे ऊपर जाओगे सबसे ऊपर, ये देखो, ये है ग्लास ब्रिज, दिखाई दे गया, ये देखो। और यहाँ से नीचे आओगे, ये स्वर्ग का रास्ता हो गया, और ये यहाँ पे है, यानी सबसे ऊपर है, यहाँ से ऐसा देखना पड़ रहा है जो ग्लास ब्रिज है। यहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन मान लो आपसे, देखो सबसे ऊंचा माउंटेन मान लो। चलो भाई यहाँ तो पहुँच गए। तो भाई ये गेट है, अब मेरे वाले में दिक्कत क्या है, पासपोर्ट चेक कराना पड़ता है बार बार, तो मैनुअली कराना पड़ता है। चलो भाई टिकट तो चेक हो गया हमारा, अभी देखो यहाँ से व्यू देखो भाई, यहाँ से थोड़ा क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है, ये देखो केबल वाला, ये देखो। ओ भाई कहाँ पहुँचना, कितना ऊपर पहुँचना है, और ग्लास ब्रिज का तो देखो यार दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ से। तो भाई इस माउंटेन का नाम है टेन मेन, और इसका नाम है टेन मेन केब एक्सप्रेस केबल वे। तो अभी तो यहाँ भी सिक्योरिटी, यहाँ से भी हमें गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर चलना है। तो भाई यहाँ से लिफ्ट चालू हो गई, अभी यहाँ से देखो कितना ऊँचा जाएंगे, उसके बाद फिर हम जहाँ केबल उसमें बैठेंगे। भाई ये लिफ्ट भी देखोगे तो यार किसी देखो किसी ऐसे एडवेंचर से कम नहीं है, ये देखियो कितनी खड़ी है यार ये, और ऐसा है बिल्कुल इस तरह, और माउंटेन तो ऐसी ही बिल्कुल भाई। तो भाई अभी तो और चलना है, और इधर इधर क्या देखा मैंने, बहुत सारी ना कुर्सी उर्सी पड़ी हुई हैं, पूरा पवेलियन बना हुआ है, ये किसे देखते होंगे यार, ये जिन वगैरह को देखते होंगे, किसे देखते होंगे, टेन मैन केव एक्सप्रेस। कितना चलना पड़ा देखो, यहाँ से हमें उस साइड जाना है, फिर देखो बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई है, देखो ये इस तरह। सुबह सुबह मैंने इसलिए करा लिया क्योंकि आज 3 बजे की मेरी जो है स्लीपर ट्रेन है वहाँ के लिए, शहजान सिटी के लिए, और उसके बाद भाई मैं घर चले जाऊँगा, मेरे काफ़ी दिन हो गए। बट दोस्तों ये वाली जो एक्टिविटी, अगर आप चाइना आओ तो उसमें ये वाली ये ज़रूर आना, क्योंकि भाई ये नहीं किया ना तो आपने कुछ नहीं किया भाई। भाई यहाँ से देखो अभी कितना चल रहा है, ये देखो जो सबसे चोटी देख रहे हो ना, सबसे चोटी वहाँ पर जो है ग्लास ब्रिज है, देखो यहाँ से मैंने दिखा दिया जूम करके, ये देखो और अभी हम है कहाँ, यहाँ पर हैं, ये देखो। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने केबल में, देखो ये केबल होगी, ये देखिए भाई कितनी बड़ी बड़ी हैं, 10-10, 12-12 कुर्सी लग हुई है इसमें, तो ज्यादा भाई इसमें बैठ गया मैं अकेला, देख रहा हूँ कम से कम कितने लोग बैठ सकते, 3 और 3, 6, 7, 7 या 21 लोग आ सकते हैं इसमें। देखो अभी लोग कितने हैं हम इसमें, केवल 3 लोग हैं, मैं हूँ अकेला, 2 ये लोग हैं। भाई बहुत तेजी स्पीड हो गई इसकी, बहुत तेजी, एकदम बिल्कुल ऊपर को जा रहा, अगर ऊपर खुला हुआ होता ना मजा आ जाता। और भाई इसमें इतनी जगह है कि कम से कम 21 लोग आ जाते हैं, पूरा का पूरा एक तरह से आप 1 VS कह सकते हो, ये देखो। और यहाँ से कितनी स्पीड पर आ रही है मैं दिखाता हूँ भाई आपको, गजब यार। और पीछे का व्यू देखो भाई कैसा आ रहे हैं हम नीचे से, ये देखो। ओ भाई देखो कितनी ऊपर जाना, ये देखो भाई नीचे का व्यू देखो, कहाँ से आए थे और बिल्कुल एकदम ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल, ये देखो ये गजब यार। ओ भाई उधर का व्यू देखो, वो जो बता रहा था ना 7.5 किलोमीटर का सबसे लंबा है, देखो सबसे लंबा वही है, ये देखो भाई कितनी ऊपर जाना अभी हमें, देखो वहां पहुंचना चोटी। भाई यहाँ पे तो नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और नीचे का व्यू देखते के साथ ही डर लग रहा है बहुत ज्यादा, हवा टाइट हो रही है नीचे देखते हुए साथ ही। भाई जस्ट अमेजिंग यार, क्या वाकई में यार, कहते ना नेचर से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये देखो भाई हम कहाँ से आए थे यार, वो दिखाई भी नहीं दे रहा नीचे वाला। ओ भाई इसकी अच्छी खासी स्पीड है, अगर ये ऊपर का खुला हुआ होता ना, ऊपर शीशा लगा हुआ था भाई मजा आ जाता ईमानदारी से। पीछे से यार देख सकते हो आप 3-4 आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं भाई। भाई नीचे को देखते के साथ ही डर लगता है कि अगर नीचे को गिर गए तो भाई क्या होगा, दिमाग में इस तरह ख्याल आते हैं।
भाई कई किलोमीटर हम ऊपर आ गए भाई। तो फाइनली दोस्तों हम पहली मंजिल पे तो आ चुके हैं भाई। नीचे को देखते के साथ ही ना यार गजब यार, क्या एडवेंचर है यार। नीचे का व्यू दिखाता हूँ, अभी हमें आधा किलोमीटर और चलना है वो वाले पे। कहाँ पर? जहाँ पे वो सीढ़ी है स्वर्ग वाली। यहाँ से भाई नीचे का व्यू देखो, एकदम ही है। देखो यहाँ देखो देखो, देखते के साथ ही डर लग रहा है। ये देखो जबरदस्त है यार, थ्रिलर यार, मजा आ जाएगा। और तुम्हें एक चीज दिखाऊं मैं, यहाँ पर लिखा हुआ बकायदा स्वर्ग का रास्ता। देखो स्टेयर वे टू हेवन, स्वर्ग का रास्ता। चलो भाई स्वर्ग देखते हैं भाई। इसे कहते हैं ब्लॉगिंग यार। मतलब ये जो है ना जिस पे हम चल रहे हैं, ये भी ऐसा है कि भाई बिल्कुल इसी तरीके से है। जरा आपसे भी थोड़ा सा देखो, यहाँ से बिल्कुल हटा हुआ है। देखो ये देखो, और ये देखियो नीचे वाला रास्ता। तो जो सबसे ऊंचा माउंटेन लग रहा था ना, देखो चोटी लग रही थी, वो देखियो बिल्कुल हमारे बराबर में है, जबकि हमसे छोटी दिखाई दे रही है। भाई साहब लिख के दे सकता हूँ, शाम को 6 बजे के बाद अच्छे से अच्छे इंसान की हवा टाइट हो जाएगी। एक तो बाई नेचर हो जाएगी, और जिस तरह की आवाज आ रही है ना इस तरह। ओ भाई शहर दिखाता हूँ, वो ध्यान से देखो शहर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये देखो, गजब यार जी। ये जिस पे हम चल रहे हैं ना, नीचे से खुक्कल है, बिल्कुल खुक्कल, हल्का सा बिल्कुल सहारा मिला हुआ है बिल्कुल। स्वर्ग पाना को इतना आसान थोड़ी है यार, स्वर्ग में मेहनत करनी पड़ती है। ओ भाई देखो यहाँ से दिखाई देगी ये स्वर्ग का रास्ता। भाई गजब यार, क्या व्यू है यार, जस्ट अमेजिंग यार। ओ भाई जिसे हम सोशल मीडिया पर देखते देखते बड़े हुए, ये देखो भाई स्वर्ग का रास्ता। ये देखो ये रास्ता जा रहा भाई, और इसे हम करीब से देखने वाले हैं भाई। भाई चाइना ने स्वर्ग बना दिया, पताल लोक का रास्ता बना दिया। ओ भाई यहाँ का व्यू देख रहे हो कितना खतरनाक है। अब देखो ये जो है ना कैब, ये कितनी पास में है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ऊंची जो चोटी वो ये है ना, देखो वहां पर ग्लास ब्रिज है। ये देखो ये देखो यहाँ पर ग्लास ब्रिज है, यहाँ के सबसे ऊंचे माउंटेन पर ग्लास ब्रिज है, वहां पर हम जाने वाले। चलो भाई वाकई में यार जबरदस्त, बहुत शानदार ब्लॉग होने वाला भाई। देखो यार कितना मजा आ रहा चलते चलते, और अभी हमें कहाँ पहुँचना है यार। ये देखो तो दोस्तों फाइनली हम लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं भाई, और यहाँ से इसको देखना भी व्यू जस्ट अमेजिंग है यार। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई वो स्वर्ग का रास्ता यार। देखो भीड़ नहीं है इसलिए एंट्री जो है बहुत इजी जो है मिल रही है, क्योंकि हम सुबह सुबह आ गए ना जल्दी जल्दी, नहीं तो यहाँ पर। ओ भाई ये दोस्तों ये देख सकते हो, ये है स्वर्ग का रास्ता। ये देखो गजब, देखो भीड़ ही नहीं है, बहुत कम भीड़ मिलेगी आपको। ये देखो भाई दोस्तों ये देख सकते हो, ये है स्वर्ग का रास्ता, जो अक्सर आपने सोशल मीडिया की वायरल वीडियो में देखा होगा आपने। ये देखो, और भाई इस पे ना बहुत सीढ़ी लगी है, और सीढ़ी से हमें जो है बहुत आगे तक जाना है। और ये जो सीढ़ी है ना दोस्तों 999 सीढ़ी है, ये आप देख। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, ये है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हाँ स्वर्ग जाने का रास्ता, पताल लोक जाने का रास्ता मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों। ये वो रास्ता है जो लगातार सोशल मीडिया पर हम देखते रहते थे, और मतलब सोशल मीडिया पर जब हम आए थे तो सबसे ज्यादा ये चीज वायरल होती थी, और आज वो हमने रियल में देख लिया भाई। तो भाई ये आप देख सकते हो स्वर्ग वाला रास्ता, और यहाँ पर देखो कितनी सारी भीड़ आ गई। जब मैं था ना 4-5 लोग थे, अब तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर लोग फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और अभी जो है हम देखो वो जो है ना वहाँ पर चलने वाले हैं भाई। यहाँ से इसका व्यू देखो यार, कितना अमेजिंग व्यू है यार। और भाई यहाँ तक 999 सीढ़ी है, उसके बाद हमें जो है जहाँ पहुँचना है, देखो कहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो व्यू वहाँ पहुँचना है भाई। ये देखो भाई, तो भाई यहाँ से ना अभी हम ऊपर जा रहे हैं, बट ऊपर जाना बहुत कठिन होगा। मैं पानी की बोतल ले लेता हूँ यहाँ से, और भाई ये मामूली लग रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे ना हवा टाइट हो जाएगी अच्छे से अच्छे इंसान की वहाँ तक पहुँचने में। तो ये क्या है, दो पहाड़ देख रहे हो, और उसके बीच में एक तरह से ब्रिज कह सकते हो। तो ये कह सकते हो और नेचर के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे पहला ये ब्रिज है, और बिल्कुल यहाँ से व्यू कैसा लगता है स्वर्ग वाला दिखाई देता है। देखो तो भाई 7:30 का टाइम हो चुका है, और 7:30 बजे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल धूप निकल गई है। पानी की बोतल जो है 5 युआन की है, यानी 60 रुपये की है। और देखो यार यहाँ पर ये दिए वगैरह जलने लगे, ये क्या है ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। खैर चलो अभी हम ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ से ना हमारी चढ़ाई शुरू हो गई, चाहे तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, तो हम इधर ही जा रहे हैं भाई। इधर भी जल रहा है, क्या जल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। ओ भाई देखो ये है सीधा रास्ता, वो
स्वर्ग वाला रास्ता देखो, देखो सीधे ऐसे है चढ़ाई बिल्कुल, ये देखो भाई। तो भाई यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है स्वर्ग जाने की, यानी पाताल लोक जाने की। व्यू देखो कितना शानदार दिखाई दे रहा है। ये 999 सीढ़ी है जहाँ पे हम चढ़ने वाले हैं। ये भाई सारे तरह का एडवेंचर हो गया, मतलब कार का भी हो गया, बस का भी हो गया, केबल कार का हो गया, पैदल का भी हो गया, और अब ट्रैकिंग का भी हो गया, और उससे अब पता थ्रिलिंग का है भाई। देखो यहाँ पर माउंटेन, ये देखो, अरे भाई झरना देखो कितना शानदार लग रहा है, और नीचे का व्यू देखो यार, जस्ट अमेजिंग। ये देखो भाई व्यू, चलो अभी हम ऊपर चल रहे हैं। तो भाई ये है पहली मंजिल, और यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल इस तरह हो गई जैसे चाइना की दीवार पे चढ़े थे ना, सेम इसी तरीके से। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसे अजूबे में शामिल क्यों नहीं किया गया यार, ये इंसान ने तो बनाया नहीं होगा किसी ने। तो आप चढ़ाई आप देख सकते हो किस तरह की हो गई है। तो चलो पहला पड़ाव जो है हमारा पूरा हुआ, अभी यहाँ से 2-3 पड़ाव और पूरे रह गए, तो चल रहे अभी दूसरे पड़ाव पर। भाई अब ट्रैकिंग की ऐसी आदत बन चुकी है, बहुत शानदार वाली आदत बन चुकी है, मजा आता है भाई, आप भी सीखो। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर मेरी तरह सफर करना चाहते हो यूट्यूब का, क्या मेरी तरह आप जो है पैसा कमाना चाहते हो ट्रैवलिंग कर करके, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ना एक कोर्स बनाया है जहाँ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि YouTube कैसे काम करता है, YouTube पर कैसे वायरल होते हैं, कैसे आप तरक्की कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेड कोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, और हो सकता है उसमें से आपको एक चांस मिल जाए मेरे साथ आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने का, वो भी फ्री में। तो लिंक नीचे मिल जाएगा, या वेबसाइट देखेंगे arbazbros.com, वहाँ से भी जाके ले सकते हो आप। बात करते 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 दूसरा पड़ाव भी आने वाला है। तो भाई ये है दूसरा पड़ाव, और चढ़ाई देखो कितनी खड़ी है। तो फाइनली दोस्तों दूसरा पड़ाव भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो है 2 पड़ाव और बाकी हैं। तो लोगों यहाँ पर देखो आराम फरमा रहे हैं। तो भाई ये तीसरा पड़ाव है, लोग थक जाते हैं, खड़ी चढ़ाई है भाई बिल्कुल सीधी सीधी, सेम ऐसा है जैसे वहां गए थे ना चीन की महान दीवार यहाँ पर। और उसके बाद तो भाई और भी एडवेंचर है, ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा बट मजा आएगा। देखो ये सब पकड़ने के लिए भी दे रखे हैं। और भाई इस साइड माउंटेन देखो, और इस साइड माउंटेन देखो, ये देखो, और आगे स्वर्ग है। भाई स्वर्ग में जाना इतना आसान थोड़ी है यार, इतनी आसानी से स्वर्ग नहीं मिलता मेरा भाई, मेहनत करनी पड़ती है। तो फाइनली दोस्तों तीसरा पड़ाव भी आ चुका है, ये देखो अब जो आएगा चौथा पड़ाव आएगा, चौथा ऐसा होगा कि बीच में बिल्कुल भी स्टॉप नहीं है, क्योंकि सब थक गए, थक क्यों गए, सब स्वर्ग जाने की चाह रखते हैं यार, इतना आसान नहीं होता भाई। तो भाई ये चौथा पड़ाव शुरू हो चुका है, लेकिन टफ ये है देखो बीच में ना कहीं स्टॉप नहीं है मेरे हिसाब से, जितना हम चले ना इसका ये है, तो ये मेरे लिए थोड़ा टफ होगा, बट कोशिश करते हैं यार कि बिना उसके बिना स्टॉप के जा सकता हूँ ये नहीं है भाई। चाइना में जितना पैदल चलाऊँ ना, हेलो ब्रदर हेलो, इतना मैं कभी लाइफ में चला नहीं हूँ। चलो चलते हैं भाई, जितना चल रहा है ना सीढ़ी छोटी से छोटी हो जा रही है, देखो पूरा पैर भी नहीं आ रहा, देखो पूरा पैर भी नहीं आ रहा भाई, ये देखो और पैर छोटा छोटा हो रहा है, सीढ़ी बहुत छोटी छोटी है, एकदम खड़ी है। बस ये ट्राई करना चाहता हूँ कि बिना रुके मैं चौथा पड़ाव पूरा कर सकता हूँ या नहीं। अरवाज यू कैन डू इट। जब तू बिना पैसे के 92 किलोमीटर सफर कर सकता है चाइना में, ये क्यों नहीं कर सकता यार। सोचो नकली स्वर्ग जाने के लिए इतनी मेहनत करनी, तो जो हमारे ये सारी सभी धर्मों के जो बिलीफ है, चाहे वो जन्नत हो या स्वर्ग हो, वहाँ का रास्ता कितना मुश्किल होगा। मैं थोड़ा हिम्मत हार रहा हूँ, क्योंकि देखो अच्छे से अच्छे लोग रुके हुए, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, मुझे लग रहा है बीच में एक स्टॉप लेना पड़ेगा, जितना हो सकता है इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब तो ये वीडियो कम से कम 5 मिलियन जाने से है यार। हेलो दो आ गए, दो खरगोश के बच्चे बैठे हुए हैं, ये देखो ये उठने तैयार नहीं, अब हटेंगे खरगोश के बच्चे, देखो हटे, अब हटे, कितने क्यूट हुए हैं, अब हटे, ये खरगोश के बच्चे हैं, ये देखो, हेलो हेलो हेलो। मुझे लगता है मुझसे अलावा सबने चौथे पड़ाव पे जो है वो किया, बट मैंने नहीं किया अभी तक। मेरे टांगों में दर्द नहीं हो रहा, मोबाइल में दर्द हो रहा, हाथ में दर्द हो रहा मोबाइल पकड़ते पकड़ते। चलो एक काम करता हूँ, बैठ ही जाता हूँ चौथे उस पर, रियल में यार टांगों में दर्द नहीं हो रहा, हाथों में दर्द हो रहा है। दोस्तों
इस वीडियो को 10 मिलियन कर दो दोस्तों, इस वीडियो को 15 मिलियन कर दो दोस्तों, मैं मर जाऊंगा दोस्तों, सुसाइड कर लूंगा दोस्तों। इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। लेकिन तुम साले ऐसे ढीठ हो फिर भी नहीं करोगे। हेलो हेलो ओके थैंक यू। हाँ 999 सीढ़ियाँ इतनी आसान नहीं यार, 999 कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, या तो एक हजार कर देते। ओ भाई देखो बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा है, रुका नहीं हूँ, हाथ चेंज किया है, बहुत दर्द हो रहा है। तो भाई दो स्टॉप ले लिए। अच्छा वीडियो में देख कर खरगोश के बच्चे आ रहे हैं, नहीं खरगोश आ रहे हैं, दोनों दो खरगोश थे। अबे मेरे पीछे ही है ये दोनों, बहुत तेज चल रहे हैं यार। तो फाइनली दोस्तों 20 सीढ़ी रह चुकी हैं और हम जो है आ चुके हैं। ये देखो स्वर्ग, इसमें पत्थर लगा हुआ है, ऊपर जा नहीं सकते देखो। तो भाई फाइनली ये आ चुके हैं हम देखो स्वर्ग में। दोस्तों ये है पाताल लोक का रास्ता, और अभी यहाँ से हम आपको पाताल लोक का रास्ता दिखाते हैं। ये देखो पूरा का पूरा क्लोज कर रखा है, ये आप देखिए। ओ भाई यहाँ तो पानी है, सब में पानी है देखो, पूरा पानी पानी है ये देखो, ये आप देखिए। तो दोस्तों ये है पहली मंजिल जिसे बोल सकते हो स्वर्ग वाला रास्ता, आगे क्या है वो तो हम देखेंगे। तो भाई यहाँ पता कर रहा था टिकट का, टिकट है नहीं। तो यह है टेन मैन माउंटेन, चलो आगे चलते हैं, वहां से भी आपको नजारा दिखाते हैं भाई। तो ये है भाई सामने का रास्ता, जो दो पहाड़ों के बीच से रास्ता था। ओ भाई ये है देखो क्या गजब का रास्ता है यार, देखो शीशा लगा दिया यहाँ पे, ये देखो पूरा। और ये देखो भाई ये है यानी दो पहाड़ों के बीच में, बहुत गहरा है भाई, ये आप देखिए।